दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया की कहानी सुनिए श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी ग्रामीणा। तो आइए सुनते हैं कहानी। पंडित रामधन तिवारी को परमात्मा ने सब कुछ दिया था, किंतु संतान के बिना उनका घर सोना था। धन धान्य से भरा पूरा घर उन्हें जंगल की तरह जान पड़ता। संतान की लालसा से उन्होंने न जाने कितने तप जप और विधान करवाए और अंत में उनकी ढलती उम्र में पुत्र तो नहीं पर एक पुत्री का जन्म हुआ। इस समय तिवारी जी ने खूब खुले हाथों खर्च किया, सारे गांव को प्रीति भोज दिया, महीनों घर में ढोलक ठनकती रही। कन्या ही सही पर इसके जन्म ने तिवारी के निपुत्र होने के कलंक को धो दिया था। कन्या का रंग गोरा चिट्टा, आंखें बड़ी बड़ी, चौड़ा माथा और सुंदर सी नासिका थी। उसके बाल घने काले और असंख्य नन्हे नन्हे छल्लों की भांति सिर पर बड़े ही सुहावने लगते थे। उसका नाम रखा गया सोना। सोना का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से होने लगा। जब सोना 7 साल की हुई तो घर में एक मास्टर लगाकर तिवारी जी ने सोना को हिंदी पढ़वाना प्रारंभ किया और थोड़े ही समय में सोना ने रामायण महाभारत इत्यादि पुस्तकें पढ़ना सीख लिया। गाँव के सभी लोगों ने सोना की कुशाग्र बुद्धि की तारीफ की। इसके आगे अधिक पढ़ाकर तिवारी जी को कन्या से कुछ नौकरी तो करवानी ना थी, इसलिए सोना का पढ़ना बंद करवा दिया गया। अब सोना 9 साल की सुकुमार सुंदर बालिका थी। उसकी सुंदरता और सुकुमारता को देखकर गांव वाले कहते, तिवारी जी तुम्हारी लड़की तो देहात के लायक नहीं है, इसका विवाह तो भाई कहीं शहर में ही करना, सुनते हैं शहर में बड़ा आराम रहता है। इधर तिवारी जी की बहन जानकी, जिसका विवाह हुआ तो गांव में ही था किंतु कुछ ही दिन से शहर में जाकर रहने लगी थी। जब कभी शहर से चौड़े किनार की सफ़ेद साड़ी, आधी बाह का लेस लगा हुआ जैकेट, टिकली की जगह माथे पर लाल अंगूर की बिंदी और पैरों में काले काले स्लीपर पहनकर आती तो सारे गांव की स्त्रियां उसे देखने के लिए दौड़ाती। गाँव के तरुण जीवन में उसका आदर था और बूढ़ों की आँखें में वह खटकती थी, किंतु फिर भी वह सबके लिए नई चीज थी। जानकी के पति नारायण ने भी मिल में नौकरी कर ली थी, उसे 20 रुपये माहवार मिलते थे। वह अब देहाती ना था, 16 आने शहर का बाबू बन गया था। धोती की जगह ढीला पाजामा, कुर्ते की जगह कमीज, बास्कट और कोट, पगड़ी की जगह काली टोपी और पैरों में पंप शू पहनता था। जब कभी गाँव में जाता कान में इत्र का फाहा जरूर रहता। कभी हिना कभी खस की मस्त खुशबू से बेचारे देहाती हैरान हो जाते। उन्हें अपने जीवन से शहर का जीवन ही सुखमय और शांतिदायक मालूम होता। इन सब बातों को देखकर और सोना की सुकुमारता को देखते हुए सोना की मां नंदो ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी सोना का विवाह शहर में ही करूंगी। मेरी सोना भी पैरों में पतले पतले लच्छे और काले काले स्लीपर पहनेगी। चौड़े किनार की सफ़ेद साड़ी और लेस लगा हुआ जैकेट पहनकर वह कितनी सुंदर लगेगी, इसकी कल्पना मात्र से ही नंदो हर से विहल हो जाती। किंतु सोना को कुछ ज्ञान ना था, वह तो अपने देहाती जीवन में ही मस्त थी। वह दिन भर मधुबाला की तरह स्वच्छंद फिरा करती। कभी कभी वह समय पर खाना खाने आ जाती और कभी कभी तो खेत में खाना भी भूल जाती। सुंदर चीज़ें इकट्ठी करने और उन्हें देखने का उसे व्यसन सा था। गांव में अपनी जोड़ की कोई लड़की उसे ना मिलती, इसीलिए किसी लड़की से उसका अधिक मेल जोल ना था। नंदो को सोना की यह स्वच्छंद प्रियता पसंद ना थी, किंतु वह सोना को दबा भी ना सकती थी। वह जब कभी सोना को इसके लिए कुछ कहती तो तिवारी जी उसे आड़े हाथों लेते, कहते लड़की है पराए घर तो उसे जाना ही पड़ेगा, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो, जितने दिन है खेल खा लेने दो, तुम्हारे घर जन्म भर थोड़े बनी रहेगी। लाचार नंदो चुप हो जाती। धीरे धीरे सोना ने 12 वर्ष पूरे करके 13वें में पैर रखा, किंतु तिवारी जी का इस तरफ ध्यान ही न था। एक दिन नंदो ने उन्हें छेड़ा, सोना के विवाह की भी कुछ फिक्र है? तिवारी जी चौंक से उठे, बोले सोना का विवाह, अभी वह है कै साल की, किंतु यह कितने दिन चल सकता था, लड़की का विवाह तो करना ही पड़ता है। वैसे तो गाँव में ही ऐसे कई लड़के थे जिनसे सोना का विवाह हो सकता था, किंतु नंदो और तिवारी जी दोनों ही सोना का विवाह शहर में करना चाहते थे। शहर के जीवन का सुनहला सपना रह रहे के उनकी आंखों में छा जाता था।
उन्होंने जानकी और नारायण से शहर में कोई योग्य वर तलाश करने के लिए कहा। इधर सोना 12 साल की हो जाने पर निरी बालिका ही थी। अब भी वही राजा रानी का खेल खेला जाता। सुंदर फूल पत्तियां अब भी इकट्ठी की जाती और तितलियों के पीछे वह अब भी उसी प्रकार दौड़ लगाती। सोना के अंग प्रत्यंग में धीरे धीरे यौवन का प्रवेश हो चुका था, किंतु सोना को इसका ज्ञान ना था। उसके स्वभाव में अब भी वही लापरवाही, वही अल्हड़पन और भोलापन था जो 8 साल की बालिका के स्वभाव में मिलेगा। सोना का विवाह तय हो गया। वर की आयु 22 या 23 साल की थी। वह सुंदर, स्वस्थ और चरित्रवान नवयुवक थे। एक प्रेस में नौकरी करते थे। 75 रुपए माहवार तनख्वाह पाते थे। घर में एक बूढ़ी माँ को छोड़कर और कोई न था। बिहार के रहने वाले थे। कुछ ही दिनों से यूपी में आए थे। पर्दे के बड़े पक्षपाती और पुरानी रूढ़ियों के कायल थे। नाम था विश्वमोहन। जब तिवारी जी ने विश्वमोहन और उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। विश्वमोहन बाबू क्या पूरे साहब दिख पड़ते थे। उनके घर में खिड़की और दरवाजों पर चिक्के पड़ी हुई थी। जमीन पर एक दरी पड़ी थी जिसके बीच में एक गोल मेज थी। मेज के आसपास कई कुर्सियां पड़ी थीं। जब विश्वमोहन ने तिवारी जी से चाय पीने का आग्रह किया और तिवारी जी को उनके आग्रह से चाय पीनी पड़ी तो वहां का साज सामान देखकर तिवारी जी चकित हो गए। हर्ष से उनकी आंखें चमक उठीं। सुंदर सुंदर प्यालों में मेज पर चाय पीने का तिवारी जी के जीवन में यह पहला ही अवसर था। चाय पीने के बाद तिवारी जी ने 2 गिन्नी परीक्षा में देकर शादी पक्की कर ली। रास्ते में नारायण बोला, कहो तिवारी जी, है ना लड़का 100 में 1? है कोई तुम्हारे गांव में ऐसा? जब कपड़े पहनकर हैट लगाकर निकलता है तब कोई नहीं कह सकता कि साहब नहीं है। सब लोग झुक के सलाम करते हैं। घर में देखा कितना पर्दा है। सब खिड़की दरवाजे पर चिक्के पड़ी हैं। इनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, पर क्या मजाल है कि कोई परछाई भी देख ले। दोनों समय चाय पीते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं। तिवारी जी ने हर्षोन्मत होकर कहा, भाई नारायण, हम तुम्हारे इस उपकार के सदा आभारी रहेंगे। हमारे ढूंढे तो ऐसा घर वर कभी ना मिलता। हम देहात के रहने वाले, शहर का हालचाल क्या जाने, पर तुमने मेरी सोना को अपनी लड़की समझकर जो उसके लिए इतनी दौड़ भाग की है और ऐसा अच्छा जोड़ा मिला दिया, इस उपकार का फल तुम्हें ईश्वर देगा। नारायण बोला, अच्छा तिवारी जी, अब जाकर विवाह की तैयारी करो। देखना इन्हें खाने पीने की कुछ कमी ना होने पावे। शहर के आदमी हैं, सब तकलीफें सह लेंगे पर भूख नहीं सह सकेंगे। खाते भी अच्छा हैं। देहात की मिठाई इन्हें अच्छी ना लगेगी। कोई शहर का ही हलवाई ले जाकर मिठाई बनवा लेना, समझे। तिवारी जी खुशी खुशी घर लौटे। घर आकर जब उन्होंने नंदो के सामने वर के रूप और गुण का बखान किया तो नंदो फूली ना समाई। वह जैसा घर वह सोना के लिए चाहती थी, ईश्वर ने उसकी साध पूरी कर दी। इस कृपा के लिए उसने परमात्मा को सच्चा धन्यवाद दिए और नारायण को उसने कोट कोट मन से आशीर्वाद दिया, जिसने इतनी दौड़ धूप करके मनचाहा घर और वर सोना के लिए खोज दिया था। सोना ने जब सुना कि उसका विवाह हो रहा है तब वह दौड़ कर आई। उसने माँ से पूछा, माँ, विवाह कैसा होता है और क्यों होता है? माँ के सामने यह बड़ा जटिल प्रश्न था। वह समझ ही ना सकी कि इसका क्या उत्तर दें, किंतु चतुर जानकी ने तुरंत बात बना ली। बोली, सोना, विवाह हो जाने पर अच्छे अच्छे गहने कपड़े मिलते हैं, इसीलिए विवाह होता है। सोना ने पूछा, बुआ जी, फिर क्या होता है? जानकी ने कहा, फिर सास के घर जाना पड़ता है, तो तुझे अपने साथ ले चलूंगी। सो तो मैं पहले से ही जानती थी बुआ जी कि विवाह करने पर सास के घर जाना पड़ता है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी से कह देती हूँ, विवाह करो चाहे ना करो, कहती हुई सोना खेलने चली गई। नंदो का मात्र प्रेम आंखों में आंसू बनकर उमड़ आया। बोली, अभी बचपना है, बड़ी होगी तब सब समझेगी। जानकी बोली, फिर तो ससुराल से 1-2 दिन के लिए भी मायके आना कठिन हो जाएगा भाजी। देखो ना, मैं ही 4-6 दिन के लिए आती हूँ तो रात दिन वहीं की फिक्र लगी रहती है। जहाँ गृहस्थी का झंझट सिर पर पड़ा, सब खेलना कूदना भूल जाता है। जब तक विवाह नहीं होता तभी तक का खेलना खाना समझो। नंदो बोली, जानकी दीदी, तुम लोगों की कृपा से मेरी सोना सुखी रहे। जैसे उसका नाम सोना है, उसके जीवन में सोना ही बरसता रहे। सोना का विवाह हो गया। रामधन तिवारी की लड़की का विवाह गांव भर में एक नई बात थी। इस विवाह में मंगलामुखी के स्थान पर आगरे से भजन मंडली आई थी, जो उपदेश के अच्छे अच्छे भजन गाके सुनाया करती थी। गहने कपड़े सब नए फैशन के थे। लहंगों का स्थान साड़ियों ने ले लिया था। जूते थे, मोजे थे,
ऑर्डर की डिब्बी, सुगंधित तेल और भी न जाने क्या क्या था, जिनकी नंदो और जानकी ने कल्पना तक न की थी। गांव की औरतों को नंदो बड़ी खुशी खुशी सब चीज़ें दिखाया करती। देखने वाली सोना के सौभाग्य की सराहना करती हुई लौट जाती। उनकी आंखों में आज सोना से अधिक सौभाग्यवती कोई न थी। जिस दिन सोना को ससुराल के सब गहने कपड़े पहनाकर नंदो ने पुत्री का सौंदर्य निहारा तो उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, किसी की नजर न लग जाए। इस डर से उसने छिपाकर बालों के नीचे एक काजल का टीका लगा दिया। जिसने सोना को देखा वही क्षण भर उसे देखता रहा। सोना सचमुच में सोना ही थी। विदा का समय आया। माँ बेटी खूब रोई। जब सोना तिवारी जी की कमर से लिपट कर रोने लगी तो तिवारी जी का भी धैर्य जाता रहा। वे भी जोर से रो पड़े। सोना विदा हो गई। विदा के बाद तिवारी जी को पुत्री बिछो का दुख भी था, साथ ही साथ आत्मसंतोष भी कि पुत्री अच्छे घर ब्याही गई है, सुख से रहेगी। सोना ससुराल पहुंची। रास्ते भर तो जैसे तैसे आई, किंतु घर पहुंचने पर जब वह एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर से साफ हवा उसे दुर्लभ हो गई तो उसे ससुराल का जीवन बड़ा कष्टमय मालूम हुआ। अब उसे गहने कपड़े न सुहाते थे। वह रहकर कोठरी से बाहर निकलकर साफ हवा में आने के लिए उसका जी तड़पने लगा। स्वच्छंद हवा में विचरने वाली बुलबुल की जो दशा पिंजरे में बंद होने के बाद होती है वही दशा सोना की थी। चार छह दिन में ही उसके गुलाबी गाल पीले पड़ गए, आंखें भारी रहने लगी। एक दिन विश्व मुहनाफिस चले गए थे, सास सो रही थी। सोना आंगन के बाहर के दरवाजे के पास चली आई, कंचिक को जरा हटाकर बाहर देखा। यहाँ देहात की सुंदरता तो ना थी, फिर भी साफ हवा तो थी ही। इतने दिनों के बाद क्षण भर के लिए क्यों ना हो, बाहर की हवा लगते ही सोना का चित्त प्रफुल्लित हो गया। किंतु उसी समय एक बुढ़िया उधर से निकली। सोना को उसने चिक के पास देख लिया। आकर विश्व मोहन की माँ से कहा, बहू को जरा संभाल कर रखा करो, न साल न छह महीने अभी से खड़ी होकर झांकती है, यह लक्षण कुलीन घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। विश्व की अम्मा, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी ने परछाई तक ना देखी और तुम्हारी ही बहू के ये लक्षण, कलयुग इसी को कहते हैं। बुढ़िया तो उपदेश देकर चली गई, पर सोना को उस दिन बड़ी डांट पड़ी। उसकी समझ में ही ना आता था कि चिक के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर डाला। फिर भी बेचारी ने नतमस्तक सभी झुड़कियां सह ली, और दूसरा चारा ही क्या था। इसी बीच जब तिवारी जी सोना को लेने आए तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे किसी ने डूबते से उबार लिया हो। पिता को देखकर वह बड़ी खुश हुई। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब की जाऊंगी तो फिर यहाँ कभी ना आऊंगी। लेकिन शहर वाले बहू को मायके में ज्यादा रहने ही कब देते हैं। सोना को मायके आए अभी 15 दिन भी ना हुए थे कि विश्व मोहन सोना को लेने के लिए आ गए। वे जब आ रहे थे सोना उन्हें रास्ते में ही बीही के पेड़ पर चढ़ी हुई मिली। उसके साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां थीं। सोना का सर खुला था और वह बीही तोड़ तोड़ कर खा रही थी और अपनी जूठी भी खींच खींच कर मारती भी जा रही थी और ऊपर बैठी बैठी हंस रही थी। सोना को विश्व मोहन ने देखा, किंतु सोना उन्हें ना देख सकी। पत्नी की चाल ढाल विश्व मोहन को ना सुहाई। उसकी आंखों में खून उतर आया। अपना क्रोध वे चुपचाप पी गए, किंतु उसी समय उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब वे सोना को मायके कभी ना भेजेंगे। वे जाकर चौपाल में मोढ़े पर बैठे ही थे कि अपने बाल सखा और सहेलियों के साथ सोना भी पहुंची। विश्व मोहन को देखते ही उसने हाथ की भी फेंक दी और सिर ढककर अंदर भाग गई। फिर ससुराल जाना पड़ेगा, इस भावना मात्र से उसका हृदय व्याकुल हो उठा। सोना फिर ससुराल आई। अब की बार आने के साथ ही घर का सारा भार सोना को सौंप कर सोना की सास ने गृहस्थी से छुट्टी ले ली। कभी घर का काम करने का अभ्यास न होने के कारण सोना को घर के काम करने में बड़ी दिक्कत होती। इसके लिए उसे रोज सास की झिड़कियाँ सहनी पड़ती। सोना ने खेलना, खाना और तितली की तरह उड़ना ही सीखा था। गृहस्थी की गाड़ी में उसे भी कभी जुटना पड़ेगा या तो उसने कभी सोचा ही ना था। किंतु यह कठिनता महीने 15 दिन की ही थी। अभ्यास हो जाने पर फिर सोना को काम करने में कुछ कठिनता ना पड़ती। घर में रात दिन बंद रहने की उसकी आदत न थी। बाहर जाने के लिए उसका जी सदा व्याकुल रहता। यदि कभी खिलौने वालों की आवाज़ सुनती या चना जोर गर्म की आवाज़ उसके कान में पड़ती तो वह तड़प सी जाती। अपना यह कैद खाने का जीवन उसे बड़ा ही कष्ट कर मालूम होता। किंतु सोना बहुत दिनों तक अपने को रोक ना सकी। वह सास और पति की आंख बचाकर गृह कार्य के पश्चात कभी खिड़की कभी दरवाजे के पास
जब जैसा मौका मिलता जाकर खड़ी हो जाती। बाहर का दृश्य हरे भरे पेड़ पत्तियां देखकर उसे कुछ शांति मिलती। बाहर की ठंडी हवा को स्पर्श करके उसमें जैसे कुछ जीवन आ जाता। वह जानती थी कि खिड़की या दरवाजे के पास वह कभी किसी बुरे उद्देश्य से नहीं जाती। फिर भी पति नाराज होंगे, साथ खिड़कियाँ लगाएंगी, इसलिए वह सदा उनकी नज़र बचाकर काम करती। मोहल्ले वालों को यह बात सहन ना हुई। कल की आई हुई बहू, बड़े घर की बहू, सदा खिड़की दरवाजों से लगी रहे, अवश्य ही यह आचरण भ्रष्ट है। धीरे धीरे आसपास के लोगों में सोना के आचरण की चर्चा होने लगी। पुराने विचार वाले पर्दा के पक्षपातियों को सोना की हर एक हरकत में बुराई छोड़ भलाई नज़र ही ना आती थी। मोहल्ले के बिगड़े दिल सौदे सोना के दरवाजे पर से दिन में कई बार चक्कर लगाते और आवाज़ें कसते, किंतु ना तो सोना का इस तरफ ध्यान होता और ना उसे इसकी कुछ परवाह थी। वह तो प्रकृति की पुजारिन थी। खिड़की दरवाजों के पास वह प्रकृति की शोभा देखती थी, लोगों की बातों की ओर उसका ध्यान भी ना जाता था। इसी बीच किसी काम से सोना की सास को कुछ दिन के लिए गाँव जाना पड़ा। अब पति के आखिर जाने के बाद वह स्वच्छंद हिरनी की तरह फिरा करती थी। कोई रोक टोक करने वाला तो था ही नहीं। कभी कभी वह चिक से बाहर भी चली जाया करती। आसपास की कई औरतों से जान पहचान भी हो गई। वे लोग सोना के घर आने जाने लगे। सोना भी कभी कभी लुक छिप के दोपहर के सन्नाटे में उनके घर हो आती। सोना के बारे में, उसके आचरण के विषय में लोग क्या बकते हैं, सोना ना जानती थी। वह तो उन्हें अपना हितैषी और मित्र समझती थी। वही लोग जो सोना से घुल मिलकर घंटों बातचीत किया करते, बाहर जाकर न जाने क्या क्या बकते। धीरे धीरे इसकी चर्चा विश्वमोहन के कानों तक भी पहुंची। इन बातों को रोकने के लिए उन्होंने अपनी माँ की उपस्थिति आवश्यक समझी, इसलिए माँ को बुलवा भेजा। साथ ही सोना को भी समझा दिया कि वह बहुत संभल कर रहा करे। सास के आने पर सोना के ऊपर फिर से पहरा बैठ गया, किंतु वह तो गाँव की लड़की थी, साफ हवा में विचर चुकी थी। उसके लिए सख्त पर्दे में बिल्कुल बंद होकर रहना बड़ा कठिन था, इसलिए उसका जीवन बड़ा दुखी था। उससे घर के भीतर बैठा ही ना जाता था। जरा मौका पाते ही बाहर साफ हवा में जाने के लिए उसका जी मचल उठता और वह अपने आप को रोक ना पाती। विश्वमोहन ने एकांत में उसे कई बार समझाया कि सोना के इस आचरण से उनकी बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए वह खिड़की दरवाजों के पास ना जाया करे, बाहर ना निकला करे। एक दो दिन तक सोना को उनकी बातें याद रहती, किंतु वह फिर भूल जाती और वही हाल फिर हो जाता। फिर खिड़की दरवाजों के पास जाती, फिर बाहर की साफ हवा में जाने के लिए, प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए उसकी आंखें मचल उठती। एक दिन विश्वमोहन को किसी काम से शहर से बाहर जाना था। सोना ने पति का सामान ठीक कर उन्हें स्टेशन रवाना किया। सास खाना खा चुकने के बाद लेट गई। सोना ने अपनी गृहस्थी के काम धंधे समाप्त करके कंघी चोटी की, कपड़े बदले, पान बनाकर खाया, फिर एक पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए खाट पर लेट गई। पुस्तक कई बार पढ़ी हुई थी, दो चार पेज उलट पलट कर देखे, जी ना लगा। उसी समय ठेले वाले ने आवाज़ दी, दो पैसा, हर माल मिलेगा दो पैसा। किताब फेंक कर सोना दरवाजे की तरफ दौड़ी। ठेले वाला दूर निकल गया था। दूर तक नज़र दौड़ाई, कहीं भी ना दिख पड़ा। निराश होकर लौटने वाली ही थी कि पड़ोस में रहने वाला बनिए का लड़का फैजू दौड़ा हुआ आया। बोला, भौजी सुई तागा हो तो जरा मेरे कुर्ते में बटन टांग दो, मैं कुश्ती देखने जाता हूँ। सोना ने पूछा, कुश्ती देखने जाते हो कि लड़ने? फैजू ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों काम करने भौजी, पहले बटन तो टांग दो, नहीं तो देरी हो जाएगी। सोना सुई तागा लाकर बटन टांगने लगी। फैजू वहीं फर्ज पर सोना से जरा दूर हटकर बैठ गया। गाड़ी 3 घंटे लेट थी। विश्वमोहन ने सोचा, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, चले तब तक घर में बैठकर आराम करेंगे। सामान स्टेशन पर ही छोड़कर स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर विश्वमोहन घर पहुँचे। बैठक में फैजू को सोना के पास बैठा देखकर उनके बदन में आग सी लग गई। वे क्षण भर वहीं खड़े रहे, परंतु इस दृश्य को भी गवारा न कर सके। अपने गुस्से को चुपचाप पीकर अंदर आए, माता के पास बैठ गए। सोना से पति की नाराजगी छिपी न, ज्यों त्यों किसी प्रकार बटन टांग कर कुर्ता फैजू को देकर वह अंदर आई। सोना ने स्वप्न में भी न सोचा था कि जरा सी बात यहाँ तक पड़ जाएगी। पति का चेहरा देखकर वह सहम सी गई। उसकी त्योरियाँ चढ़ी हुई, चेहरा स्याह और आंखें गीली थी। सोना अंदर आई,
मिस्टर मोहन ने उसकी तरफ आंखें उठाकर भी ना देखा। उसने डरते डरते पति से पूछा, कैसे लौट आए? मिस्टर मोहन ने रुखाई से दो शब्दों में उत्तर दिया, गाड़ी लेट है। सोना ने फिर छिड़ा, अब कब जाओगे? मिस्टर मोहन ने तीव्र दृष्टि पत्नी पर डाली और कठोर स्वर में बोले, गाड़ी 3 घंटे बाद जाएगी, तब चला जाऊंगा। सोना फिर नम्रता से बोली, तो इस प्रकार कब तक बैठे रहोगे? मैं खाट बिछा देती हूँ, आराम से लेट जाओ, तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। विश्व मोहन ने कड़े स्वर में रुखाई से कहा। सोना के बहुत आग्रह करने पर विश्व मोहन ने कमरे में पैर रखा। वे ना कुछ बोले और ना खाट पर ही लेटे कुर्सी पर बैठ गए। एक पुस्तक उठाकर उसके पन्ने उलटने लगे। पढ़ने के नाम से कदाचित एक अक्षर भी ना पढ़ सके, किंतु इस प्रकार वे अपनी अंतर्वेदना को चुपचाप लहू के घूंट की तरह पी रहे थे। सोना का आचरण उन्हें हजार हजार बिच्छुओं के दर्शन की तरह पीड़ा पहुंचा रहा था। पति की आंतरिक वेदना सोना से छिपी न थी। वह जरा खिसक कर उनके पास बैठ गई। धीरे से उसने अपना सिर विश्व मोहन के पैरों पर धर दिया। बोली, इस बार मुझे माफ करो, अब तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगी, मुझसे नाराज ना हो। विश्व मोहन के पैरों पर जैसे किसी ने जलती हुई आग धर दी हो। जल्दी से उन्होंने अपने पैर समेट लिए और तिरस्कार के स्वर में बोले, यह बात आज क्या तुम पहली ही बार कह रही हो? यह मौखिक प्रतिज्ञा है, हार्दिक नहीं। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे कारण तो मैं शहर में सिर उठाने लायक नहीं रहा। जिधर जाओ उधर लोग तुम्हारी चर्चा करते हुए दिख पड़ते हैं। मेरे तुम्हारे मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता तो क्या हुआ, बाद में कानाफूसी करते हैं। तुम्हारे ऊपर तो जैसे इसका कुछ असर ही नहीं पड़ता, जो जी में आता है करती हूँ। भला यशोदा तुम्हारे पास बटन टकवाने क्यों आया? तुम इनकार ना कर सकती थी? तुम यदि सह ना दो तो कोई कैसे तुम्हारे पास आवे? सोना ने भय कातर दृष्टि से पति की ओर देखते हुए कहा, जरा सा तो काम था, पड़ोसी धर्म के नाते मैंने सोचा कि कर देना चाहिए, नहीं तो इनकार क्यों नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार जरा जरा सी बातों से बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती हैं। निभाया करो पड़ोसी धर्म, मगर मेरी इज्जत का ख्याल मत करना। कहते हुए विश्व मोहन बाहर चले गए, साइकिल उठाई और स्टेशन चल दिए। आहत तपमान से सोना तड़प उठी। वह कटे हुए वृक्ष की भांत खाट पर गिर पड़ी, रोई। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का स्वच्छंद जीवन याद आने लगा। देहाती जीवन की सुखद स्मृतियां एक एक करके सुखद की सुंदर कल्पना की भांत उसके दिमाग में आने लगी। उसे याद आया किस प्रकार जाड़े के दिनों में अलाव के पास न जाने कितनी रात तक बूढ़े जवान युवतियां और बच्चे सब एक साथ बैठकर आग तापते हुए पहेलियां बुझाते और किस्से कहानियां कहा करते थे। किसी के साथ किसी प्रकार का बंधन न था। नदी पर गांव भर की बहू बेटियां कैसे स्नान करने को जाती थीं और फिर सब एक साथ गाती हुई लौटती थीं। कितना सुखमय जीवन था वह। चने के खेत में नरम नरम चने की भाजी तोड़कर सब एक साथ किस प्रकार खाया करते थे। कभी कभी चीना झपटी भी हो जाया करती थी। हंसी मजाक भी खूब होता था। वहाँ किसी को कुछ शिकायत न थी। अपने पड़ोसी कुंदन के लिए वह माँ से लड़ भिड़कर मिठाई भी ले जाया करती थी। नदी पर नहाने के बाद कभी कभी कुंदन उसकी धोती भी तो धो दिया करता था। वहाँ तो उसकी कभी चर्चा नहीं हुई। क्रोशिये से एक सुंदर सा पोत का बटुआ बनाकर सबके सामने ही तो उसने कुंदन को दिया था, जो अब तक उसके पास रखा होगा। वहाँ तो इस पर किसी को भी बुरा ना लगा था। वहाँ सबसे बोलने बात करने की स्वतंत्रता थी। कुंदन की भाभी नई नई तो ब्याह के आई थी, पर हम लोगों के साथ रोज ही नदी नहाने जाया करती थी और साथ बैठकर झूला भी झूला करती थी, अलाव के पास भी बैठा करती थी। फिर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर डाला जिसके कारण इन्हें शहर में सिर उठाने की जगह नहीं रही? यदि किसी का कुछ काम कर देना, बोलना या बातचीत करना पाप है, तो कदाचित यह पाप जाने अनजाने मुझसे सदा ही होता रहेगा। मेरे कारण उन्हें पद पद पर लांछित होना पड़े तो मेरे इस जीवन का मूल्य ही क्या है? ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मैं घर के अंदर पर्दे में नहीं बैठ सकती, यही मेरा अपराध है ना। इसी के कारण तो लोग मेरे आचरण में धब्बे लगाते हैं। मैं लोगों से अच्छी तरह बोलती हूँ, प्रेम पूर्ण व्यवहार करती हूँ, यही मुझ में बुराई है ना। आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया, उन्होंने तिरस्कार के साथ मुझे झिड़क दिया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर भी रस्सी के रोज रोज घिसने से निशान पड़ जाते हैं, फिर वे तो देव तुल्य पुरुष हैं। उनका हृदय तो कोमल है,
इन अपवादों का असर कैसे ना पड़ता। रामचंद्र जी सरीखे महापुरुष ने भी तो जरा सी ही बात पर गर्भवती सीता को वनवास दे दिया था। फिर ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। इन्होंने तो जो कुछ कहा ठीक ही कहा, पर इसमें मेरा भी कौन सा दोष है। जब इन्हीं के हृदय में संदेह ने घर कर लिया तो मैं जीती हुई भी मरी से गई बीती हूँ। इसी प्रकार अनेक तरह के संकल्प विकल्प सोना के मस्तिष्क में आए और चले गए। 3 दिन बाद विश्वमोहन लौटे। जाने से पहले उनमें और सोना में जो कुछ बातचीत हुई थी वे उसे प्रायः भूल से गए थे। सोना के लिए अच्छी सी साड़ी, 1 जोड़ी पैरों के लिए सुंदर से स्लीपर और कुछ हेयर क्लिप लिए हुए वे घर आए, किंतु सामने ही चबूतरे पर उन्हें फैजू बैठा हुआ मिला। पास ही हरी हरी घास पर वह अपना तीतर चुगा रहा था। विश्वमोहन उसे देखते ही तिलमिला उठे, संदेह और भी गहरा हो गया। सारी बातें ज्यों की त्यों फिर ताजा हो गईं। उनका हृदय बड़ा ही विचलित और व्यथित हुआ। न जाने कितने प्रकार की शंकाएं उन्हें व्याकुल करने लगी। उनका चेहरा फिर गंभीर हो गया। घर आकर वे सोना से एक बात भी न कर सके। माँ से 1-2 बातें कर बिना भोजन किए ही वे ऑफिस चले गए। सोना से यह उपेक्षा न सही गई। पिछले 3 दिनों से वह खिड़की दरवाजे के पास भी न गई थी और उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह कभी भी खिड़की दरवाजों के पास न जाएगी। विश्वमोहन की इस उपेक्षा ने उसके हृदय के घाव को और भी गहरा कर दिया। सोना अब इससे अधिक न सह सकती थी। अपने जीवन को समाप्त करने का उसे कोई साधन न मिला। आंगन में लगे हुए धतूरे के पेड़ से उसने 2-3 फल तोड़ लिए और पीस कर पी गई। कुछ ही क्षण बाद सोना के हाथ पैर अकड़ने लगे, उसकी जबान ऐंठ गई और चेहरा काला पड़ गया। वह देखती थी किंतु बोल ना सकती थी। इसी समय तिवारी जी आ पहुंचे। वे सोना को विदा कराने आए थे। सोना पिता को देखकर बहुत रोई। सारे घर में कोहराम मच गया और देखते ही देखते सोना के प्राण पखेरु उड़ गए। यह ऐसी नींद थी जिसने सोना को सदा के लिए शांति दे दी। अपवाद की विषैली आयु अब उसे छू भी ना सकती थी। शाम को 6 बजे विश्वमोहन ऑफिस से लौटे। घर में रोने की आवाज सुनकर किसी अज्ञात आशंका से उनका हृदय विचलित हो उठा। घर आकर देखा तिवारी जी कन्या की लाश गोद में लिए हुए दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। तिवारी जी इस बीच कई बार कन्या को लेने आ चुके थे, किंतु विश्वमोहन ने विदा न किया था। विश्वमोहन और तिवारी जी में कोई विशेष बातचीत न हुई। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। अंतिम संस्कार के बाद जब विश्वमोहन लौटे तो मेज पर उन्हें सोना का पत्र मिला। मेरे देवता, मैं मर रही हूँ, मरने वाला झूठ नहीं बोला करता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना, मैं निर्दोष थी। मुझे ऐसा लगता है कि या तो यह दुनिया मेरे लायक नहीं है या मैं ही इस दुनिया के योग्य नहीं हूँ। इस छल कपट से परिपूर्ण संसार में मुझे भेजकर शायद विधाता ने उचित नहीं किया था। आप मेरी एक कठिनाई शायद नहीं समझ सके। एक वातावरण से सहसा दूसरे वातावरण में पहुंचकर मैं अपने को शीघ्र ही अनुकूल बना लेने में असमर्थ पाती थी। अपने मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं। दुख है तो केवल इतना कि आपको कभी सुखी ना कर सकी। अभागिनी सोना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।